आइए दोस्तों, हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं एनालॉजी चैप्टर का। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द बिल्ली प्लेन। ठीक है, तो घोड़ा क्या करता है, टेक्विन या टाइगर या वेलपेन या वॉल। टेक्विन होता है दोस्तों। ठीक है, फिर क्या कहता है कि गलफड़ा से मछली सांस लेता है तो मानव किस चीज़ से सांस लेता है। यहाँ पर कान से, नाक, आँख से, फेफड़ा से या नाक से। तो वो मछली आपका नाक से सांस लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कैंची पेंट करता है, कैंची पेंट तो बेलचा कैंची करेगा। ठीक है दोस्तों, तो बेलचा का क्या काम है, कैंची का पेंट करेगा। तो बेलचा का काम है तेल निकालना, पानी निकालना, ईंट निकालना, नहीं कोयला निकालना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि खुरदा, खुरदरा चिकना। अगर खुदरा है मतलब तो हाँ यार चिकना उसका उल्टा है। तो व्यवस्थित है तो क्या बेढंग है, निश्चित है, सतर्क है या चौकस है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए दोस्तों। क्योंकि व्यवस्थित है तो बेढंग है, यहाँ पर अगर सही है, यहाँ खुदरा है तो चिकना कर दिया, व्यवस्थित है जहाँ सही है सब कुछ जुगाड़ है वहाँ बेढंग है उल्टा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर क्या कहता है आपको थोड़ा ऊपर करते हैं दोस्तों, देखिए। ठीक है, कहता है तापमान, ठीक है तो तापक्रम करते हैं तो वायु दाब वो मान पी। वायु दाब से क्या मानते हैं, तो ताप, भार, आयतन या दाब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बताइए कि आप किस चीज़ को नापिएगा। अगर तापक्रम है तो तापमापी से तापक्रम उसका नापिएगा, तो वायु दाबी से तो उसका आयतन, दाब या भार नापिएगा। ताप नापेंगे, भार या दाब उसका नापेंगे। ठीक है दोस्तों, उसका डेंसिटी। चल चित्र दर्शन कगन, तो गिरजाघर। ठीक है, गिरजाघर क्या होता है, कहाँ रहता है दोस्तों, प्रार्थना का या मन चिंतन या एकांत में, कहाँ होता है दोस्तों, तो वो है प्रशांत। ठीक है दोस्तों, वो कहाँ होगा, चिंता घर में, ठीक, या ऑल मान सकते हैं दोस्तों, प्रार्थना भी स्थान पे, मनन चिंता पर, एक अंतर पर भी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है दोस्तों मांस, तो शाकाहारी होता है, जो मांस खाता है तो उसको शाकाहारी बोलते हैं, जो मांस खाने वाला है शाकाहारी, जो नहीं मांस खाता है तो इसका उल्टा है। तो मध का क्या होगा, मध तो पागल या मत्स्यागी या मादक या और। ठीक है दोस्तों, तो जो मद है उसको क्या बोलेंगे, मांस खाने वाला, तो मद को क्या, मद त्यागी, जो नहीं खाता है उसको मद त्यागने वाला कहेंगे। अगर सोमवार को चंद्रमा है तो मंगलवार को क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, कि अगर सोमवार को चंद्रमा है तो मंगलवार को क्या होगा। सोम को चंद्रमा अगर दिया गया तो मंगल को बुध होगा, मंगल होगा प्लूटो होगा या ऑल होगा। तो यहाँ पर मंगल को मंगल ही कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान पूर्वक से दोस्तों, देखिए आप ये देखिए, फिर क्या कहता है कि अश्वशील घोड़ा है, सुअर बाड़ा, सुअर बाड़ा में अश्वशील, अश्वशाला घोड़ा, घोड़ा अगर अश्वशाला में रहता है तो सुअर कहाँ रहता है, गाय, भैंस, सुअर या मक्खी। तो ये सुअर बाड़ा, तो सुअर बाड़ा में तो सिर्फ सुअर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है हमारा कि अगर वायु, ठीक है, अगर वायु का श्वास लेते हैं, श्वास लेते हैं वायु को हम, तो रक्त, ठीक है दोस्तों, रक्त का हमारा क्या होगा, वायु से अगर श्वास लेंगे तो रक्त का क्या होगा, लाल गाढ़ा, ठीक है, लाल गाढ़ा के बाद बहन या ऑल। तो दोस्तों वायु को हम श्वास लेते हैं तो रक्त क्या हमारा होता है, तो लाल हमारा लाल होता है दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।